दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई यू डिक्शनरी ऐप। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस ऐप के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर बताऊंगा जो आपको किसी और ऐप में देखने को नहीं मिलता। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीढ़ी यानी स्टेयर्स का क्या काम होता है तो आप बोलोगे कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पहुंचाने का। लेकिन रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बिल्डिंग नंबर 7 में एक ऐसी सीढ़ी मौजूद है जिसके इस्तेमाल से ना तो आप उस फ्लोर से ऊपर जा सकते हो और ना ही नीचे आ सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब ये सीढ़ी एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई पैरालौकिक शक्तियों जैसा तो कुछ नहीं होगा। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन पर्सपेक्टिव का भी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बन सकता है। लेकिन वेट, क्या ऐसा कर पाना साइंस के लिए भी पॉसिबल है? इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस सीढ़ी की सबसे पहली वीडियो 2013 में इस कॉलेज के एक RIT इमेजिन इवेंट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आई, इसने पूरी दुनिया के टेक्नीशियंस, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को चौंका कर रख दिया। लेकिन जब इसकी डिटेल इंस्पेक्शन करी गई तो पता चला कि ये वीडियो एक बहुत ही प्रिसाइज तरीके से एडिट की गई है। जी हाँ, असल में ऐसी कभी न खत्म होने वाली सीढ़ी तो मौजूद ही नहीं है। ये एक नॉर्मल सीढ़ी है और इस वीडियो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब एक्टर्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक असली सीढ़ी नहीं है और कैसे फिल्म एडिटिंग, कैमरा मूवमेंट और मास्किंग का इस्तेमाल करके इस वीडियो को शूट और एडिट किया गया है। इस वीडियो में 6 ऐसे सीन हैं जिसके इस्तेमाल से कोई भी प्रोफेशनल फिल्म मेकर या वीडियो एडिटर थोड़ा सा टाइम देने के बाद इसमें कमियां निकाल सकता है। आप भले ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटर ना हो, लेकिन इस वीडियो से आपको एडिटिंग के बारे में काफी कुछ जानने को मिल जाएगा। इस पहले सीन में एंकर ऊपर जा रहा है। आप कैमरा मूवमेंट को देखो, कैमरामैन कैमरे को धीरे धीरे ऊपर लेकर जा रहा है और जैसे ही एंकर इस दीवार के पीछे जाने ही वाला होता है, कैमरा मूवमेंट रुक जाता है। अब कैमरामैन रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता है और एंकर नीचे चला जाता है। रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू होती है और कैमरे को फिर से धीरे धीरे नीचे की ओर लाना शुरू कर दिया जाता है और अब एंकर दोबारा से ऊपर आने लगता है। इन दोनों ही क्लिप्स को आपस में जोड़ने के बाद ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करा जाता है जिससे ऐसा लगता है कि वो ऊपर गया और फिर नीचे वाली सीढ़ी से ही वापस आ गया। इसके बाद इस वीडियो में एक डिजिटल कैमरा शेक डाल दिया जाता है ताकि देखने में ऐसा लगे कि किसी ने अपने हाथों में कैमरा पकड़कर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। अगला सीन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये देखो। OMG, अब यहाँ तो कैमरा उसके साथ ही गया था, अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वेल, जब ये लड़की जिसका नाम रोजी है, जब वो यहाँ पर ऊपर पहुँचने ही वाली थी तो एक तेज कैमरा मूवमेंट हुआ और एंकर सामने आ गया। अब एक्चुअली में वो तो वहाँ था ही नहीं। वेल, यहाँ पर जैसे ही रोजी ऊपर पहुँचती है वैसे ही उस टेक को खत्म कर दिया जाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग रोक दी जाती है। अब आता है मेन पार्ट। अब एंकर सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है और असली रोजी उससे एक फ्लोर और ऊपर चली जाती है और उसकी जगह एक फेक रोजी जिसने बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने होते हैं उसे वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है। जब सब अपनी अपनी जगह आ जाते हैं तो रिकॉर्डिंग को फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। इस शॉट की सबसे कमाल की बात थी इसके पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड जिसे आसानी से मास्किंग के साथ एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। ऐसा करने के बावजूद यहाँ पर कुछ फ्रेम्स हैं जिसमें हम मास्किंग किए जाने को आसानी से देख सकते हैं और इस ट्रांजिशन के साथ होस्ट और इसके बीच का गैप भी चेंज हो रहा है। ये तेज शॉट इसी वजह से लिया गया था ताकि लोगों को ये ट्रांजिशन समझ ही ना आए और उन्हें पता ही ना चले कि यहाँ पर कोई कट लिया गया है। अब कैमरा ने फेक रोजी को नीचे जाते हुए रिकॉर्ड किया और रियल रोजी जो कि एक फ्लोर ऊपर थी वो वापस नीचे आ जाती है और वो ला देखने वाले चौंक जाते हैं। अगले सीन में एंकर पानी लेकर नीचे जाता है और नीचे रोजी को देखकर हाथ हिलाता है, लेकिन यहाँ पर एक व्हाइट ग्लिच आता है जो कि व्यूवर्स को किसी चीज से उसका ध्यान हटाने के लिए लगाया गया था। अगर हम ध्यान से इसे स्लो स्पीड में देखेंगे तो हमें यहाँ पर इसके हाथों पर मास्किंग करी हुई दिखाई देगी। अगर आप एडिटिंग जानते हो तो आप समझ गए होंगे और अगर आपको एडिटिंग नहीं आती तो सिंपली ये समझ लो कि मास्किंग में दो या उससे ज्यादा अलग अलग वीडियोस को मिलाकर एक वीडियो बनाई जाती है। जैसे मैंने ऊपर वाली वीडियो
वीडियो को मास्किंग करके नीचे वाली वीडियो के साथ ब्लेंड कर दिया है। अब हमें यहाँ पर ध्यान से देखने पर इसके हाथों पर मास्किंग करी हुई दिखाई देगी। रोजी की ये फुटेज इस पहले वाले वीडियो के साथ ब्लेंड करी हुई है। इसका अगला शॉट भी एक वीडियो नहीं है बल्कि तीन वीडियोस का मिक्सचर है। पहले केवल इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड करी गई, फिर पीछे इन लोगों की और फिर इस स्टैटिक शॉट की और आखिरी में इन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया गया। वीडियोस के टुकड़ों को आपस में जोड़ने को हम कंपोजिशन कहते हैं, जो कि आजकल की सारी VFX मूवीज में इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट सीन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां एंकर इस इंसान से बात कर रहा है और नीचे जाने पर यहां पर यह दोबारा उसी इंसान के पास पहुंच जाता है। वेल, अगर ध्यान दो तो जब एंकर नीचे आने लगता है तो यहां पर उसने कैमरा फ्रेम को पूरी तरह से ढक लिया था और उसके बाद कैमरा पैनिंग, मोशन ब्लर और मास्किंग का इस्तेमाल करके इस दूसरी वीडियो को यहां पर प्लेस कर दिया गया। और जब उसने कैमरा को कवर किया वहीं पर सीन कट हो गया था और एंकर ऊपर चला गया था जहां पर यह इंसान मौजूद नहीं था। और अब वो यहाँ से नीचे आता है और फिर वो इससे मिलता है जो कि वहीं खड़ा था जहाँ वो पहले था। बस बात ये है कि इस वक्त लोग उसके नीचे वाली सीढ़ियों पर नहीं बल्कि ऊपर वाली सीढ़ियों पर खड़े हैं। इस वीडियो में जितने भी ट्रांजिशंस हैं वो सारे के सारे इतने कमाल के हैं कि कोई भी अगर इसे पहली बार देखेगा तो उसे यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और डिजिटल कैमरा मूवमेंट की वजह से वीडियो ऐसी लग रही है जैसे इसे हाथों में मोबाइल से या फिर कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। अगर आप ये वीडियो किसी को ये बोलकर दिखाते हो कि इसमें गलतियां निकालो तो अच्छे से अच्छा फिल्म मेकर या वीडियो एडिटर भी पहली बार देखने के बाद इसमें गलतियां नहीं निकाल पाएगा। अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है और आप मैसेजेस के जरिए किसी से इंग्लिश में बात करना चाहते हो और वो भी बार बार किसी दूसरे ऐप में बिना स्विच किए, तो आप यू डिक्शनरी की मदद से ऐसा कर सकते हो। इस ऐप से आप किसी फोटो में लिखे इंग्लिश सेंटेंसेस को भी हिंदी या दूसरी किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें आप व्हाट्सएप पर किसी इंग्लिश वर्ड या सेंटेंस को कॉपी करके आसानी से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो। नीचे दी हुई लिंक पर जाकर अभी इस ऐप को डाउनलोड करो और इंग्लिश से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाओ। यू डिक्शनरी के होली कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें। इस कॉन्टेस्ट की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर पसंद आई ही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।